अरे सोने का नहीं, डायमंड का है। डायमंड का लो अभी लो। मेरी तरफ से की आपकी खूबसूरती थी एंडी। साथ तो यहाँ है हमारे साथ मोंटी भैया, बहुत ही जाने माने यूट्यूबर, वैसे दोनों डांटेगंज से। अच्छा डांटेगंज आप भी हैं। अरे वाह। हेलो दीदी, हेलो दीदी, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हाँ यही तो प्यार है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं से मिलने, यहाँ पे है मोंटी भैया। बड़े बड़े आप लोग कैसे हो बताओ, पहले बहुत मजा आ रहा है। इनका एक प्रॉब्लम आया सॉल्व हो गया और हम तो भूल गए, बताओ ऐसे ऐसे लोग होते हैं, गलत है कि नहीं? राधिका गद्दारी कर, राहुल को भी फोन किए थे, रोहित है, राहुल आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा राम और शाम कौन है भाई। यहाँ पे बैच लगा के चले, तो इवेंट में कैसा लगा? बहुत अच्छा, अच्छा हमको देख के थैंक यू सो मच। आप दोनों इतने से इतने में तक दिखे हैं, इसलिए तो आप डाउन टू अर्थ है, वो वैसे ही रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। औरों के जैसा नहीं, थोड़ा सा बढ़ता एटीट्यूड दिखाने लगते हैं। नहीं वैसा कभी होगा भी नहीं। अच्छा ठीक है, मतलब जो डाउन टू अर्थ रहते हैं ना, वो मतलब कि कभी उसके साथ होगा ही नहीं वैसा। और बाकी जो लोग तो देख रहे हो, नए नए आ रहे खिलाड़ी लोग, तो थोड़ा सा फॉलोअर में उछलने लग रहे हैं, भाई मेरे पास ये है घमंड। भगवान घमंड बहुत जल्दी तो चल रहा है। रांची में भाई हेमंत सोरेन चल रहे हैं और कोई नहीं चल रहा है। अरे भाई ले चलेंगे। तो यहाँ है हमारे साथ मोंटी भैया, बहुत ही जाने माने यूट्यूबर, वैसे दोनों डांटेगंज से। अच्छा डांटेगंज आप भी हैं? अरे वाह। तो क्या बोले, हाँ तो भाई जितने लोग भी देख रहे भाई, हमें सपोर्ट का आप लोगों का जरूरत है, तो आप लोग नहीं सपोर्ट करिए तो कैसे ब्लॉग बनेगा कि नहीं? करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, और अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे आप लोगों को, एंटरटेनमेंट करेंगे, सब्सक्राइब। नीतीश भाई वन बाई वन सबसे मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आगी है, राधिका है, अजीम है, कनक है, रोहित है, कहाँ के हम इधर हैं, हम इधर हैं। सोने का डायमंड का है, डायमंड का आज इनको किडनैप करके इनका घड़ी चुरा के लेके जाएंगे। एकदम लो अभी लो। मेरे तरफ से की आपके खूबसूरत बालों का राज, आपके खूबसूरत बालों का राज तो बताइए। आदिवासी नंबर दे देंगे भाई। एक बात बोलो, रियली बता रहा हूँ कि इतना अच्छा इवेंट कराया है और इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर है, छपले लोग तो दूर है। एक देखो यहाँ पे जितने, एक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप कैमरा घुमाओगे जितने सब कोई एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छा इन्फ्लुएंसर है, जो कि अपने झारखंड समाज को कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भैया। और कुछ तो हमारे ऐसे हैं कि हमारे एरिया को बदनाम कर रहे हैं, वैसे लोग को अनफॉलो करो, मैं बता दे रहा हूँ बार बार। क्लियर मैं यही बोलूंगा, क्योंकि पहले हम जैसे चलेंगे वैसे हमारा समाज चलेगा, क्योंकि एज इन्फ्लुएंसर। सही बात है। और भाई सोच के देखो ना, ये फॉरेन कंट्री का जो भी आते हैं यहाँ पे मेहमान, उनको अपना ये आदिवासी कल्चर दिखाते हैं, खान पान खिलाते हैं, ऐसा कोई अभी तक नहीं किया है, लेकिन थैंक यू सो मच भाई, अच्छा लगता है। और मैं बता दूं मतलब कि भैया से हम आज से नहीं जानते, बहुत सालों से जानते, 3-4 साल से जब से हम शुरू किए, और तब से इनसे अच्छा रिश्ता रहा है, और हमेशा हम लोग बात करते हैं, और कुछ कुछ तो इतना हेल्प किया, बताने से भी मना किया कि नीतीश ये सब बताना मत कि हम हेल्प किए हैं। बहुत आधी रात की बता रहे हैं, हेल्प किया है मेरा, और थैंक यू सो मच भैया कि आप आए। गाइस ये बड़े बड़े लोग कहाँ कहाँ गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। सही में एक राउंड देखे ना, सारा झूठ, मतलब अकेले अकेले ढकार मार लिए हैं। हे गाइस इनका गाल बुबू हो जा रहा, लास्ट टाइम आई थी तो पिचका हुआ था, गोल मटोल दिख रहा है। ये बता कि हम कैसे दिख रहे हैं, क्यूट दिख रहे हैं, क्यूट।
मैडम वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं मैडम जो और हम बोलेंगे, हम बोलेंगे मैम टीचर डे में पेन नहीं दे पाए, माफ कीजिएगा। आप देख सकते हैं करो ना जलजीरा पान। अरे हम लोग आपको बहुत क्यूट लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं। सच्ची थैंक यू। ऐसे पकड़ दो मेरा। ए हम लोग आज का पूरा सेम सेम हो गए हैं गलती से। अब दारू वाले नहीं लगे हैं। प्रियंका आप दारू ड्रग 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 एडिक्ट पैसा का नशा का या दारू का नशा का। तो यहाँ पे हमारे साथ आर्य भैया हैं जो हमारे झारखंड में पूरा पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो भैया बताइए अपना एक्सपीरियंस कुछ हमारे व्यूवर्स के साथ। अमेजिंग एक्सपीरियंस है। जो लोग सोचते हैं कि हम झारखंड को नहीं जानते और क्या ही होगा झारखंड में, विजिट झारखंड वंस, एक बार झारखंड आप विजिट कीजिए। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ या फिर ये मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ यार, जो झारखंड में खूबसूरती मिलेगी रॉ में है ना, अनटच्ड ब्यूटी, अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी, वो आपको क्योंकि मैं 15 राज्य घूम चुका हूँ इंडिया के, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम आपके जो ब्रदर कहलाए जाते हैं, ठीक है, इसके साथ आपके गुजरात में, महाराष्ट्र में, सभी ब्यूटी से ज़्यादा अच्छा आपको झारखंड में लगेगा और शांत लगेगा, अनएक्सप्लोर्ड नेचर के करीब आपको लगेगा। तो बहुत खूबसूरत है अपना झारखंड, बहुत अमेजिंग, सभी जो भी जितने भी जिले हैं सब में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो जैसा कि मैं बोलती आती हूँ हमेशा कि झारखंड झारखंड नहीं झारखंड प्यार है, तो भाई भैया की सेम चीज़ वही बोले हैं। तो आप लोग तो कुछ लोग छोड़ छोड़ के मुझे खाने लगे हैं यहाँ पे। आप भैया भी स्टार्ट हो गया है इनका, लोग भी आपकी बहुत सारी फ्रेंड सखियाँ मतलब जो अभी आ रहे वन बाय वन। इधर देखिए, इधर देखिए गद्दारी करने वाले लोग सब पहले पहले खाने लगे हैं। यहाँ मेरे बहुत बड़े सब्सक्राइबर बहुत बड़े कितने बड़े फैन बहुत बड़े फैन मिल गए बताना। दीदी का ब्लॉग देखिए, दीदी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं। जैसे नीतीश भैया को आप सपोर्ट करते हैं वैसे हम लोग को भी, मेरी फ्रेंड है भैया। हमारे साथ मनीषा जी हैं जिनसे पहले मिल चुके थे लेकिन फिर ये गायब हो गए क्योंकि हम इन लोग सेलिब्रिटी बन गए। और यहाँ है जीजू, इनका शिकायत है कि हम इनको हाँ ये कौन है जिनके हस्बैंड वो जरूर पता है। Oh, oh, oh.
सो गाइज, यहाँ हमारे साथ है आंटी आदर्श भैया की मम्मी, जो कि झारखंड की जानी मानी माँ है, अभी बहुत मशहूर है। तो आप लोग बताइए आंटी, मेरे ब्लॉग में आंटी को देख के आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, झूठ बोल रही है। इसका जो है ना, उसे मेरे को मिला ही नहीं है, छिपा के रखती है। हाँ, मैं सोच रही हूँ, मतलब कहाँ वो दिख नहीं रहा है कहीं। ये बोली आपको बॉयफ्रेंड नहीं है ना, बॉयफ्रेंड आ रहा है अभी, आपको शॉक देने वाला। ये मैं मर जाऊं। आप डांस
कहीं नहीं जाना, आपको हमारे साथ रहना है। लड़की लोग आके बता रही है, हम आपको बोले थे बात हो रहा है, कैसे नहीं बोले आपको किसी से मिलाना चाहते हैं? बोली ना, ये दोनों छोकरा लोग ना, ये दोनों और एक चीज बता रहे हैं आपको, और एक चीज बता रहे हैं ना, शर्मा के हंसते हैं ना। अब ऐसे मत हंसना, नहीं तो कुछ और बोलने। रहता ना तो प्रॉपर वो बाल ऐसे से करके एक चीज बनाते हैं, मजा आ जाए। तुम लाओ यार, हम लोग सबको डिनर कर रहे हैं, जल्दी से खाते फिर आपको से मिलते हैं। हम जब सबका मजाक उड़ा दो खुद। सो गाइस, हम लोग का खाना पीना सब कुछ हो चुका है, अब हम लोग एनडीए भी हुआ है और चलने वाले हैं। यहाँ पूजा भी आई हुई थी, मैं पूजा से आप लोग को नहीं मिलाई, हम दोनों साथ में थे लेकिन नहीं मिला भाई ब्लॉग में, क्योंकि फोन मेरे पास नहीं था। तो फाइनली गाइस, हम लोग घर जा रहे हैं और यहाँ पे नीतीश भैया को थैंक यू बोलेंगे और फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे ही आगे बढ़ते रहिए, हम लोग को भी आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।